भाई लोगों, ये मत कहना कि यार अभी थोड़े दिन पहले इसका ओनर रिव्यू करा था, इसका माइलेज भी कर दिया, तो फिर आज ये बाइक यहाँ पे क्यों खड़ी है? आज ये बाइक यहाँ पे खड़ी है, आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, ये इसके साथ खड़ी है। और ये क्या है दिखाता हूँ आपको भाई, थोड़ा पास आओ एक बार। ये है सैडल राइड, किसका? राइनॉक्स का। और ये सैडल बैग के साथ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि यार एक्सट्रीम सिटी बाइक है, अगर हम इसे हाईवे पे लेके जाते हैं, क्रूज करते हैं, तो थोड़ा सा लगेज हम कैसे कैरी करेंगे? तो यार देखो, लगेज कैरी करने का सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या होता है, या तो आप बंजी कोर्ड्स का यूज़ करो, लेकिन वो कहना कि थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है, आप जब लॉन्ग राइड पर जाते हो तो ड्यूरेबल नहीं है, सामान निकल सकता है, बंजी रोड से ना कुछ भी हो सकता है। तो सैडल बैग का क्या काम है कि एक तो ये बैलेंसिंग प्रोवाइड करवाता है बाइक को, क्योंकि आप देखोगे तो जो बैग्स होते हैं ये दोनों तरफ इक्वल है, 32 लीटर 32 लीटर। तो जब आप बाइक राइड करते हो ना, लॉन्ग राइड पे जाते हो, तो एक बाइक का ओवरऑल बैलेंस मेंटेन है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, अब ये इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये बैग है, इसको आपने जस्ट सिंपल ऐसे करके उठा लिया, बैग ऐसे ही आता है, आपको कुछ नहीं करना, बस ले जाना है और इसको यहाँ पे ले आके रख देना है। इसके ऊपर ये स्ट्रैप्स होती हैं, ये आपको यूज़ करती हैं एक्स्ट्रा सामान कैरी करने के लिए। लेट्स सपोज आपको कुछ सामान एक्स्ट्रा कैरी करना है जो आपको इसके ऊपर रखना है, आप यहाँ पे सामान रखोगे और इसको उससे ऐसे करके बांध दोगे क्रॉस में, ताकि जो सामान ऊपर रखा है वो भी स्टेबल रहेगा, वो भी नहीं हिलेगा। और 32 लीटर के तो कैरी बैग है, ये अपना बैलेंस अपने आप बना लेंगे और ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो और इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी जो कैपेसिटी है 32 लीटर, आपको शायद सुनने में काफ़ी कम लगे, या आपको लगे कि यार 32 लीटर में मैं क्या क्या रख सकता हूँ। तो 32 लीटर में आप क्या क्या रख सकते हो उसका एग्जांपल आप ये देखो। हम लोग कल कैंपिंग करने के लिए आए थे, अभी हम लोग हैं जयपुर में सांबर लेक पे, टेंट के अंदर रखा इतना सारा सामान, कंबल, तीन कंबल थे, एक छोटा गद्दा था, छोटा सा मतलब, ठीक है, और ये सामान स्टूल वगैरह आप देख रहे होंगे, इतना सारा सामान, वो स्टोव, वो थोड़े से बर्तन, तो इतना सारा सामान अगर हम लोग एक साथ कैरी कर पा रहे हैं तो इसकी वजह। तो आई गेस अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि 32 लीटर सुनने में शायद एक आपको कम नंबर लगे, बट इन एक्चुअल ये 32 लीटर बहुत सारा सामान कैरी कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, लाइट वेट है यार, मतलब एक होता है ना कि आप कुछ एक्सेसरीज अपनी जब लगवाते हो बाइक में तो वो एक एड ऑन वेट बाइक को देती है, तो बाइक जैसे हैवी रहती है, बट इसके साथ वो इश्यू नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है, जो सामान आप कैरी करोगे सिर्फ उसी का वेट होगा, इस पर्टिकुलर एक्सेसरी का अपना कोई इतना मतलब इतना इम्पैक्टिंग वेट नहीं है इसमें। तो आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू पता लग गया होगा कि एक्सट्रीम जो सिटी राइड के लिए बनी है, कैसे हम इसको सैडल बैग की हेल्प से हाईवे के लिए भी कंफर्टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे सामान लोड करो, यहाँ पे बैठो, लोअर बैग को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। तो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में ऐसी दो तीन अच्छी अच्छी वीडियोस आता रहूँगा आपके लिए। चलो मिलते हैं आपसे।